हरे कृष्णा। आप सभी को सात्विक किचन में आपका स्वागत है। बहुत लोगों की शिकायत थी कि आप अपना वीडियो बोल के बनाए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक ट्राई करती हूँ। तो आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आपके लिए चना अमृत की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें दही चाहिए, एक बाउल मैंने लिया है दही। शुगर लिया है मैंने हाफ कप। दूध लिया है कच्चा, हाफ बॉल है करीब। ये नारियल का बुरादा है, कोकोनट पाउडर ये भी हाफ कप के करीब है। ये मैंने शहद लिया है 2 टेबल स्पून। मखाने लिए हैं मैंने 1 कप कच्चे, और ये मेरे पास गंगा जल है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है पिस्ताचू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू, और लास्ट में चिरौंजी। और मैंने ये तुलसी पत्ता रखा है लास्ट में डालने के लिए भोग पे। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चल आइए हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। हमने एक बॉल ले रखा है, हम इसमें पहले सबसे पहले दही डालेंगे। मैंने दही ले लिया है, अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें जो भी लम्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये मैंने दही को ऑलमोस्ट मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कच्चा दूध लेंगे, वो मिक्स करेंगे। तो ये मैंने कच्चे दूध ले लिया है और मैंने इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया है दही में। आप अपने इच्छा अनुसार इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा गाढ़ा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूध की क्वांटिटी कम ली है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, जो मैंने हाफ कप के करीब लिया हुआ था। तो आप इसको भी अपनी इच्छा के अनुसार से ऐड कर सकते हैं, थोड़ा मीठा कम, जो ऐसा आपको अच्छा लगे आप इसमें मिला सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। बहुत लोग इसमें गुड़ भी डालते हैं, बट हम गुड़ नहीं मिला रहे हैं। आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो या सिर्फ हनी भी डाल सकते हो। मैं हनी डालूंगी, पर मैं लास्ट में हनी डालूंगी। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा वो ऐड करूंगी, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड करना। शुगर ऐड कर लिया है और उसको मिला लिया, अच्छे से आप मिला लो। अब मैं इसमें मखाने डालूंगी, जो मैंने 1 कप के करीब लिए। आधे मैंने तोड़े हैं और आधे ऐसे ही साबुत हैं, तो इसे मैं ऐसे ऐड कर दूंगी इसमें। अब मैं इसमें हनी ऐड करने जा रही हूँ, जो मैंने करीब 2 टेबल स्पून के करीब लिया था। तो ये आप डाल सकते हो उसमें। ये हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, जो मैंने काट के रखे हुए हैं। आप चाहो तो इसे साबुत भी डाल सकते हो, पर हमें थोड़े कटे हुए पसंद है। तो ये मैं काजू डाल रही हूँ इसमें। आपको अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ये मैंने काजू मिक्स कर दिया। ये मैं चिरौंजी डाल रही हूँ उसमें। ये पिस्ताचू है, थोड़े से पिस्ताचू मैं छोड़ रही हूँ गार्निश के लिए। ये पिस्ता है, ये बादाम डाला मैंने। अब मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डालूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड करेंगे क्योंकि हम भगवान का भोग बना रहे हैं, तो एक ढक्कन के करीब, टेबल स्पून के करीब मैंने ये गंगा जल इसमें ऐड कर दिया है। ये आपका भोग बन गया। इसको हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें जो मेरे पास बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे मैं उसे और ऐड करूंगी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा मैं नारियल भी इसमें ऊपर से ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा चना अमृत बनके रेडी। मैं इसमें अब तुलसी पत्ता ऐड कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे तुलसी पत्ता, क्योंकि भगवान कृष्ण का भोग बना रहे हैं तो बिना तुलसी पत्ता के पॉसिबल नहीं है, तो आप भी इस जन्माष्टमी में ये चनामृत बनाइए। और आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट शेयर करके बताइए। हरे कृष्णा।